हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी हम बेल्ट बनाएंगे और इसके आगे सलवार पूरा कंप्लीट करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने टाइम पे नहीं है कि हम सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कर सकें। तो इसलिए अभी हम सिर्फ बेल्ट की वीडियो डाल रहे हैं, आगे फिर कंप्लीट सलवार की वीडियो आएगी। ठीक है, अभी हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई करेंगे ताकि वो पक्का हो जाए। इसको स्पीड में कर दिया गया है, इस पर डबल सिलाई लगानी है हमें। अब दूसरी साइड पे हम 7.5 इंचेस नाप लेंगे। हमारी जो बेल्ट तैयार है वो 7 इंच है, तो नीचे हम पार्ट और कली को भी जोड़ेंगे तो उसमें 1/2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा, तो इसलिए हमने 7.5 इंच लगा लिया है। और उसके ऊपर 1 इंच छोड़ के 8.5 पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। 7.5 इंच का जो निशान है वहाँ तक ही करना है, उसके आगे नहीं करना है, क्योंकि हम उसके अंदर नाड़े या कुछ भी डालने के लिए गैप छोड़ेंगे। तो अभी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो निशान है इसी को बैक कर लेंगे वापस 7.5 तक ही, और उसको बैक कर लेंगे। डबल स्लाइस पे भी लगा लेंगे। सिलाई पे ही सिलाई लगनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमने 7.5 की सिलाई लगा ली है। अब ऊपर जो 1/2 इंच था हमारा उसको भी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है हमें। इस पे भी डबल सिलाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये जॉइंट वाले कपड़े को हम अलग अलग कर देंगे, दोनों को बीच से ओपन कर लेंगे इन दोनों को इस तरह। हाँ, ऐसे ही इसको अलग अलग कर लेंगे। अब इसको हल्का हल्का फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों पे। बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आनी चाहिए। इसको हल्का हल्का फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे, हल्का हल्का फोल्ड करेंगे और किनारे की सिलाई लगाएंगे। काम बिल्कुल फिनिशिंग से करना है, जरा सा भी सिलवटे नहीं है, नहीं तो हमारी सलवार दिखने में खराब लगेगी। अब ऐसे ही जिस साइड हमने उस साइड लगाया था ऐसे ही हम इस साइड भी इसको सिलाई लगा लेंगे। हाँ, मतलब इसको हल्का हल्का ही फोल्ड करना, ज़्यादा नहीं करना। वैसे भी हमारे पास 1/2 इंच का ही कपड़ा है, तो उसको 0.2 पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। ऐसे ही हमें करना है इसको, स्ट्रेट सिलाई ही लगानी है सिर्फ। तो स्ट्रेट सिलाई तो सबको ही लगानी आती होगी, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी सिलाई करेंगे बैठ के, तो भी आपकी सलवार मेरे साथ ही बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बेल्ट बिल्कुल मेरे साथ ही आपका बन के तैयार हो जाएगा। ये देखो, ये जो हॉल हमने किया था 1 इंच का, इसमें हम बाद में नाड़ा डाल सकते हैं। अब हम 7.5 इंच सिलाई जो हमने अंदर से लगाई थी वही ऊपर से लगाएंगे, ताकि हम उस ऊपर की साइड को फोल्ड कर सकें। तो 7.5 इंच ही मार लेंगे। ऐसे ही पूरे सलवार पे सिलाई मतलब निशान लगा लेंगे, ताकि हमें कपड़ा फोल्ड करने में आसानी हो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मार्जिन, थोड़ा थोड़ा दूर लेके हम इसको निशान लगा लेंगे। ये हमने पूरा निशान लगा लिया है। अब हम इसको 7.5 इंच पे पकड़ के फोल्ड करेंगे ऐसे ही, और इसको अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। तो हमने 7.5 इंच पे रख के इसको 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। ये जो होल होगा हमारा ये 1 इंच का होगा, तो हमने सिलाई पकड़नी है, निशान पकड़ना है और सिलाई करनी है। ऐसे ही पूरे बेल्ट पे हम सिलाई लगा लेंगे।
किनारे की सिलाई लगनी चाहिए और कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम कपड़ा खींचेंगे तो उसमें झोल आ जाएगा, तो बिल्कुल हल्के हाथों से कपड़ा पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे, निशान पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। निशान को पकड़ेंगे और आधा इंच कपड़ा अंदर, और ये हम सीधी सिलाई लगानी है। हमें बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है जिससे कि हमारी लुक खराब ना हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें आप। अभी हम सिर्फ बेल्ट बना रहे हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पार्ट और कली को जोड़ना सीखेंगे और उसके साथ ही हम बेल्ट भी लगाना सीखेंगे। ये हम अलग अलग बना रहे हैं क्योंकि हमारा एक साथ नहीं आया है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट डाला है, अलग अलग करके डाल दिया है, जिससे आपको भी आसानी होगी और मुझे तो होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, खींचने से सिलवटें आ सकती है। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है फोल्ड तो आप इसको कच्चा कर लीजिए, कच्चा करने से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कच्चा करने के बाद हम फिर सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच ही कपड़ा अंदर जाएगा, 1 इंच ऊपर एक साइड जो हमने फोल्ड किया है, और ऐसे ही बेल्ट की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिलाई लगाई है। आप बिल्कुल भी कपड़ा ना खींचे, अगर कपड़ा खींचेंगे तो फिर ऊपर सिलवटें आ सकती हैं, इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से कपड़े को पकड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। ठीक है, और ये हमारा कपड़ा मतलब बेल्ट तैयार है। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे, हल्की सी डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं, बिल्कुल सिक्योर हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये हमने पूरी बेल्ट बना ली है, हमने ऊपर भी सिलाई लगा ली है, तो ये बेल्ट बन के हमारी तैयार है। ये हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार है, एक्स्ट्रा धागे जितने भी हैं उनको काट लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ज्वाइन करेंगे सलवार के साथ, मतलब पार्ट और कली के साथ। पार्ट एंड कली हम नेक्स्ट वीडियो में जोड़ना सीखेंगे। अगर आपको बेल्ट बनाने का ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ, आप कुछ भी पूछिए।